अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सर जी। वालेकुम अस्सलाम सर क्या हाल है बच्चों, ठीक हो? जी। सर आप कैसे जी हैं? सर, अल्लाह का करम है सर, आप सुनाएं। एक लम्हे के लिए तो मुझे लगा हाँ सर सर, ईद मुबारक कह रहे हैं। माशाल्लाह सर, बहुत प्यारे लग रहे हैं। वो तेरी है केड़ा ओए, ए फीस लग रहा है मैनू। यस सर, मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। तुहाड़ी नज़र है कि तुसी सानू इस तरह समझ दे हो। बहरहाल थोड़ा कंट्रोल भी कर लो। यस सर। ओए केड़ा आ गया ओए दी कंसेप्ट, नाम तो सही रखा करो। हाँ भाई, मिस्टर दी कंसेप्ट, हु इज दी कंसेप्ट? दी कंसेप्ट किसका नाम है जी? शायद ये मोबाइल पे है और इसे बोलना भी नहीं आता क्योंकि इसका माइक नहीं शो हो रहा। ये जिस बच्चे ने भी दी कंसेप्ट लिखा हुआ है उसके लिए इंस्ट्रक्शन है, सुन लीजिए। जिस बच्चे ने भी अपना नाम दी कंसेप्ट लिखा हुआ है उसके लिए कि बेटा आप अगर मोबाइल पे हैं, मोबाइल की स्क्रीन पे जब टच करते हैं तो लेफ्ट साइड पे माइक बना हुआ आता है, उसको टच करेंगे तो वहाँ से आपसे पूछेगा कॉल ओवर इंटरनेट, तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो आपकी आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। नाम भी अपना अगर बदल लें, मैं आपका नाम बदलता हूँ। ट्वेल्थ स्टूडेंट, वकार वीडियो बंद करो। जी बच्चों, 7.5 एक्सरसाइज चल रही थी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। किसी बच्चे का सवाल कल के लेक्चर के हवाले से? नो सर। वासिक है हमारे साथ? सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जवान, ठीक हो? यस सर, आप कैसे हैं? जी वही अल्हम्दुलिल्लाह। बुक है वासिक के पास? यस सर। अच्छा ये बताइए कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की बात तो हो गई, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन हमारे सिलेबस में मौजूद है? 3 सर क्वेश्चन नंबर 3, के बाद? सिक्स का सेकंड पार्ट, फिर थ्री के क्वेश्चन बाद? नंबर 7। 3 के बाद 6 है और 6 के बाद 7 है। बस बाद में बाकी बात करते हैं। क्वेश्चन ओके नंबर सर। 3 में कोप्लेनर का वर्ड लिखा हुआ है जी, एंड वी आर गिवन विथ 3 वेक्टर्स। उनके नाम रख लेते हैं, ए बी बी यू, जो भी आप लिखना चाहें। तो वेक्टर ए वन सर आई ये स्क्रीन ब्लर हो गई है सर, आ बहुत जाता, मुश्किल ठीक आ हो रही जाता है, मेरी आवाज आ रही है ना तो वो भी ठीक हो जाता है। +3 के बी वेक्टर, वो है -2i+3j-4k, और सी वेक्टर है 1i-3j+5k। बच्चों वो कह रहा है वेक्टर्स आर को प्लेनर, वेक्टर्स आर को प्लेनर, तो फिर आपने वेक्टर्स आर को प्लेनर जो है प्रूव करना है या यूज करना है? प्रूव करना है। अब यहां पर कोप्लेनर क्या होता है, अगर आपको याद हो तो जब a.b 0 के बराबर था तो वेक्टर परपेंडिकुलर थे, जब a x b 0 के बराबर था तो वेक्टर पैरेलल थे, और अब 3 वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट
ए डॉट बी क्रॉस सी, अगर ये जीरो हो तो वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं। ये कोप्लेनर क्या होता है जरा उसके बारे में बात करते हैं। एक ही प्लेन में लाई करना। बेटा मैं अब कोशिश करता हूं यहां पे आपको दिखा सकूं। ये एक्स और वाई एक्सेस है, ऐसे रख लें या ऐसे रख लें, ये कोप्लेनर है, यानी आप इनको यहां पर बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस। वो जो जेड एक्सेस होता है वो आप यहां शो तो कर लेते हैं लेकिन असल में वो बनता नहीं है, वो यहां मौजूद होता है इस जगह ऐसे, जैसे ये मार्कर मैंने रखा है, यानी इस तरह हम यहां पे दिखा सकते हैं। तो अगर आप देखो ऐसे में अगर रखता हूं तो ये रेड वाला मार्कर और ब्लू वाला मार्कर, ये दोनों कोप्लेनर है, जबकि ये जो ब्लैक वाला है ये इनके प्लेन में नहीं आता इसलिए यहां बनता नहीं है, शो ऑफ कर लेते हैं हम। अगर मैं ऐसे रख देता हूं इस वक्त, फर्ज कर ले लाइक दिस, तो ये ब्लैक वाला मार्कर और ये ब्लू वाला ये इस प्लेन पे आ रहे हैं जबकि ये रेड वाला नहीं आ रहा, तो एक टाइम पे तो दो प्लेन पे आ रहे हैं। तो कोप्लेनर क्या है, ये तीनों ही एक प्लेन पे होते। ये देखिए इसको यहां से परपेंडिकुलर से हटा के मैं यहां रख देता हूं ऐसे, यानी यहां पर ये एक वेक्टर ये है वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी। तो अब ये एक ही प्लेन पे बनाए गए तो इन्हें हम कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर। और इसके बारे में हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो बता रहा होता है। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो के बराबर आ जाए तो ये जो तीन वेक्टर हैं ये इस शक्ल के होते हैं, एक ही प्लेन पे बनते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो वो वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर या कोई और एंगल बना रहे होंगे। तो अभी वापस आते हैं, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो बेटा सिंपल और आसान तरीका, ए के कंपोनेंट लिखिए 1 -2 3 -2 3 -4, 1 -3 और 5। इसको एक्सपेंड करना है तो बाय एक्सपेंशन चेक कीजिए जी, इसको एक्सपेंड कीजिए और बताइए क्या आंसर आता है। एनी स्टूडेंट, किसी ने एक्सपेंड किया, जीरो आ रहा है। ये बेटा जल्दी से लिख लेना, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है मिटा दूंगा बाद में, तो ये जीरो आएगा। तो फिर आप लिखोगे सो गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो हमने तीन किस्म का प्रोडक्ट पढ़ा है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तीनों के जीरो होने की वजह हमें कोई ना कोई मिलती है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का दूसरा नाम क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? राइट बाइसेक्टर। ना ना, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स सर। ऑर्थोगोनल, हाँ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स और कोप्लेनर वेक्टर। तीन किस्म का प्रोडक्ट हम पढ़ते हैं और तीनों के जीरो होने के लिए हमारे पास एक एक टर्म मौजूद है, वो आपको पता होनी चाहिए। इससे रिलेटेड आपका सवाल बोर्ड के पेपर में या आपके एंट्री टेस्ट में बन सकता है। अब उससे आगे चलते हैं जी, हमारा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। हमें बताया गया है जी, इसके दरमियान में अगर कोई है तो बता दीजिए, 3 और 6 के दरमियान में तो कोई नहीं है। 6 का दूसरा पार्ट है जी, 6 का दूसरा पार्ट। तो 6 में लिखा हुआ है फाइंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। इसमें हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, जिन लोगों के पास बुक मौजूद है वो जरा पेज 361 निकालिए, वहां पर टेट्राहेड्रॉन बनी हुई है। यस सर। जी मेरा पहला जो वेक्टर है उसको आप लिख लें, पहला सॉरी वेक्टर नहीं पॉइंट,
2218. दूसरा जो है उसको आप लिख लीजिए 329, जो आपके बुक में सेकंड पार्ट में दिया हुआ है. तीसरा C214 और चौथा D3310. तो देखना बच्चों ये टेट्राहेड्रॉन कैसे बनती है. टेट्राहेड्रॉन क्या होती है, अब मैं आपसे वो बात शेयर करने लगा हूं. ऐसी फिगर जिसकी चार साइडें होंगी और चारों साइडों पे ट्रायंगल होगी. ऐसी फिगर जिसकी चार साइडें होंगी और चारों साइडों पे ट्रायंगल होगी. इधर देखना बच्चों, अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं तो ये बनती है ट्रायंगल एबीसी. अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूं तो ये ट्रायंगल बन रही है एसीडी. अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूं तो ये ट्रायंगल बन रही है एबीडी. और ये साइड इधर देखें, ये रेड वाले, रेड और ब्लू, बीसीडी. चार नाम मैंने बोले हैं, दोबारा से बता रहा हूं, वहां भी बना हुआ है, सुन लीजिए. ये जो डायग्राम बनी है सामने, इसी को सामने रखते हैं, शायद बुक वाली भी एग्जैक्टली यही है, तो उसी के बारे में बात कर लेते हैं. 361 पेज पे एबीसी पहली बेस ट्रायंगल बन रही है और सामने एबीडी आ रही है लेफ्ट पे और राइट पे आ रही है बीसीडी. तीन हो गई, एक उसकी बैक साइड बनती है एसीडी. तो ये चार ट्रायंगल बनती हैं. ऐसी फिगर जिसमें चार साइडें होंगी, फेसेस, यू कैन से फेसेस, जैसे ये अगर हम कमरे की बात करते हैं तो इसके सिक्स फेसेस हैं, जो बेसिकली तीन है बाकी उसके रेप्लिकाज हैं. तो यहां पर चार ट्रायंगल्स बनती हैं, चार साइडें बनती हैं. जस्ट इसको इमेजिन करें, यू विल गेट फोर ट्रायंगल्स. अब बेटा देखिए, इसका ये जो आ रहा है आपके पास, इसे हम कह देते हैं वेक्टर यू. ए बी को, ए सी को कह देते हैं वेक्टर वी और ए डी को कह देते हैं वेक्टर डब्ल्यू. तो अभी हमें पहले वेक्टर चाहिए, तो हम पहले यहां लेट कर देते हैं, डायग्राम विल हेल्प अस. तो यू वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर. अब ए बी हमने निकालना है तो इसका तरीका हम सीख चुके हैं, क्या होता है, बी माइनस ए. तो ये बी के कंपोनेंट 3-2. नजर नहीं आ रहा सर, ब्लर है बेटा. मेरे पास तो ठीक चल रहा है, बहरहाल अगर आवाज आ रही है तो जस्ट वेट. 3-2 आई, 2-1 जे, 9-8 के. वेक्टर निकाल रहा हूं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, 6 ऐसा हम फर्स्ट एक्सरसाइज से निकालते आते हैं. तो जब कोई ऐसी बात आएगी, मुझे रिपीट भी करनी पड़ी, जो नहीं होगी तो कर लेंगे, नो इशू. यू वेक्टर मिल गया हमें, अब हम वी वेक्टर निकालते हैं. वी वेक्टर किसके बराबर है, ए सी. ए सी सी माइनस ए होता है. तो आप में से किसी से पूछते हैं, आयशा जैनब हमारे साथ एक स्टूडेंट है, माइक ऑन कीजिए. देयर इज हुज़ैफ़ा, हुज़ैफ़ा सईद, माइक ऑन कीजिए. यस सर. जी बेटा. यस सर. जी सर. अभी हम कौन सा वेक्टर निकाल रहे हैं, ए सी सर. शाबाश. सी माइनस ए होता है. यस सर. ये सी है और ये ए है, आपके पास का बुक पे भी लिखे होंगे, तो बताएंगे कैसे लिखूं. सर पहले सी कब ताने सर. जी ए कब ता, ए कब ताने सर पहले. ए सी सी माइनस ए होता है ना. यस सर. तो पहले सी होता है सर. 5-5-6. ना 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 ना, ये सी का पहला का, क्या है वो जो कोऑर्डिनेट है सर, ये सी का पहला कोऑर्डिनेट. हुज़ैफ़ा सी का पहला कोऑर्डिनेट
और किसकी आवाजें सुन रहे हो? 218 सर। 214 सी का। हुज़ैफ़ा? यस सर। सी का पहला कोऑर्डिनेट क्या है? 214 सर। पहला पूछा है? 2 2। ए का पहला क्या है? 2। तो 2-2 लिखेंगे ना? यस सर। और साथ हाई आ गया। अब सी का दूसरा बोलो। 1 सर। और ए का दूसरा? 1। तो 1-1 आ गया और इसके साथ जे आ गया। अब सी का तीसरा? 4। और ए का तीसरा? 4-8k। 0 आई, 0 जे, -4k। दिस इज वी। को गलती तो नहीं की हमने? नो सर। के बाद है डब्ल्यू। अब ये किसी और से पूछते हैं। थैंक यू। जिससे कल सवाल नहीं पूछा, जोया। माइक ऑन कीजिए। जी सर। जी बच्चे, W है AD के बराबर, D माइनस से ही। बताइए क्या लिखूं? सर 3i माइनस। ना 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 ना। D का पहला कोऑर्डिनेट 3 और A का पहला कोऑर्डिनेट 2। इनको सेपरेट करेंगे 3-2 और इसके साथ आई लिखेंगे। ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट D का सर 1 3। सर बहुत ब्लर है, नजर नहीं आ रहा है। कॉपी पे बुक पे भी तो लिखा हुआ है ना बच्चे, पहला और आखिरी पॉइंट। जी सर। तो दूसरा कोऑर्डिनेट डी का सर ये हो गया 2 2j। नहीं, फिर गलत बोल रहे हो। 3-1। देखो देखो, एक मिनट मेरी बात सुनो गौर से। ये फर्ज कर ले पॉइंट है ना 3-3-10। आप इस 3 के साथ आई जे के नहीं लिख सकते, ये पॉइंट है, ये वेक्टर नहीं है। जब डी के और ए के कोऑर्डिनेट सबट्रैक्ट हो जाते हैं तब हम उसके साथ आई या जे लिख सकते हैं। ठीक है। अगर आपको यहां से ब्लर नजर आ रहा है तो आखिरी पॉइंट बुक से देखिए, आखिरी पॉइंट का दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है? आखिरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2, आखिरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। जोया आप हमारे साथ हैं? जी सर। आपके पास बुक मौजूद है? जी सर। तो क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट का आखिरी पॉइंट पढ़ें। टेन 3-3-10 पूरा पॉइंट बोला है ना? क्या है 3-3-10? अब दूसरा कोऑर्डिनेट इसके अंदर क्या आ रहा है? 3-2-3। ठीक है। और जो पहला पॉइंट है उसका दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है? 1। उनको सेपरेट करके उनके साथ जे लिखना है। जब सेपरेट हो जाते हैं फिर साथ यूनिट वेक्टर लिखा जाता है। अब तीसरा बताइए। 2k 10-8। 10-8 क्या लिखा गया? 10-8 तो ये आ जाएगा हमारे पास जी 1i+2j+2k। ये बचे W आ गया हमारे पास। तीनों वेक्टर मौजूद हैं। अब हमने लिखना है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फार्मूला। पे 361 निकालिए वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। फार्मूला क्या लिखा हुआ है? 1/6 UVW। क्या ख्याल है बच्चों, ये फार्मूला लिखा हुआ है?
यस सर। अच्छा वो ये कह रहा है कि इसको वैल्यूएट करना है, तो ये आखिरी वाला मिटा रहा हूँ। मिटा दे सर। सर मैं रेस कर दूँ? अच्छा वन ओवर सिक्स यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू ऐसे लिख लें, इधर ब्रैकेट डालनी है डाल लें, ना भी डाले कोई इशू नहीं है। अच्छा अब हमें ये यू डॉट वी उसका ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला यानी डिटरमिनेंट फार्मूला बनाना है। तो वन ओवर सिक्स यू के कंपोनेंट वन वन वन, वी के कंपोनेंट जीरो जीरो माइनस फोर और डब्ल्यू के कंपोनेंट वन टू टू। हाँ बच्चों एक्सपेंड करें जरा इसको बाय एक्सपेंशन। वन ओवर सिक्स तो ये जहां तक मुझे नजर आ रहा है आता है टू माइनस वन वन आ जाता है, टोटल आ जाएगी कितना आता है सर फोर ही आएगा, टू बाई थ्री आ जाता है फोर आएगा जी फोर ही है। तो सिंपलीफाई करके टू ओवर थ्री आ गया। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन है तो वॉल्यूम की यूनिट क्यूब में होती है तो क्यूबिक यूनिट साथ लिख देंगे। बुक में आंसर देखो बच्चों यही है सर। चले यही है सर। ठीक यस सर यही है। ठीक है जी ठीक है। अब हम मजीद आगे चलते हैं। ये जी कोई आया हुआ है मिस्टर खान, तो मैं इसको कैसे ऐड करूं, मुझे क्या पता ये कौन है, तो मैं कोई नहीं कर रहा हूं। सर ये नजीब है शायद सर। उसे पता नहीं है कि नजीब सिर्फ हान से काम नहीं चलता, कंफर्म है सर वो, क्योंकि उसका मैसेज आया था कह रहा था कि मेरी इन नहीं हो रही, तो सर इसलिए मैं शायद कह रहा हूँ। चलो मैं कर रहा हूँ, फिर गड़बड़ हुई तो मैं आपको पकड़ूंगा। ठीक है सर। चले ये बच्चे हमारा जी किसी बच्चे का कुछ सवाल सर ये डायग्राम जरा समझा देंगे, वो इंटरनेट चला गया था। कोई मसला नहीं है, आपके पास बुक मौजूद है? यस सर। 361 पेज निकालो। ओके सर सर निकाल लिए। उसमें आपको एक शक्ल नजर आ रही है ट्रायंगल जैसी? यस सर। उसमें बेसिकली चार ट्रायंगल हैं, इसी तरह की है वो भी। जरा उसी डायग्राम को देखते हुए देखें, ए बी सी एक ट्रायंगल बन रही है या नहीं बन रही? यस सर। उसमें देखें आप ए सी डी एक ट्रायंगल बन रही है या नहीं बन रही? यस सर। ए बी डी भी एक ट्रायंगल बन रही है? यस सर। और बी सी डी भी एक ट्रायंगल बन रही है? यस सर। कितनी ट्रायंगल हो गई सर? फोर। चार। तो ये एक पहाड़ जैसी डायग्राम बन गए, जैसे एक माउंटेन टाइप, ऐसा ही है? यस। इजिप्शियन पायरामिड, इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन, ऐसी फिगर जिसकी चार फेसेस होंगे और हर फेस ट्रायंगल जैसा होगा। क्लियर? यस सर। तो इसमें ए बी को यू वेक्टर ले लिया, ए सी को वी वेक्टर ले लिया और ए डी को डब्ल्यू वेक्टर ले लिया, तो हमें इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। ओके सर। वेलकम। अब हम बात करते हैं उसामा। सर ये एक्सपेंशन में सर ये रो जो है सर, इसमें आपने आई जे के क्यों नहीं लिखा? आई जे के बेटा देखें हम क्या निकाल रहे हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। माइक ऑन रखे उसामा बेटा। सर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है उसका आंसर क्या होता है सर? उसका आंसर नंबर, नंबर होते हैं नंबर। तो अगर आई जे के लगाएंगे तो फिर वो नंबर तो नहीं आएगा, वो क्या आएगा? वेक्टर आएगा सर। वेक्टर आएगा, तो वो सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट में होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में नहीं होता। ठीक है सही है सर। ओके सर। हाँ जी मुश्ताक। मुश्ताक खान, हान मुश्ताक खान, दो तीन हान और लगा लेने थे यार साथ। ओ बोलो ना अब।
मुश्ताक बेटा शायद आपका कोई इशू है, आप बोल नहीं पा रहे, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही। जी हफीज सर, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं? हो रहे हैं सर, ये मिल सकते हैं सर? मिल सकते हैं, फी लेक्चर 1000 रुपया लगे ना। YouTube चैनल पे चढ़ा दे सर जी, मशहूर हो जाएंगे। प्रमोशन ना, फी लेक्चर 1000 रुपया लगना है। ठीक है सर जी, आकर ले जाए सर जी, कोरोना है, मैं नहीं आ सकता। अच्छा, नहीं तो आप ऐसी बात क्यों सोच रहे हैं सर? क्यों सर, कभी इंटरनेट स्लो होता है सर जी, वो थोड़ी पिछली बात थोड़ी हो जाती कोई, है। कोई कोई मसला नहीं बेटा, बात ये है असल में पता क्या है, डेली हो रही होती है कोई ढेर सारी क्लासेज ना, तो उनकी वीडियोस निकालना कोई इतना आसान नहीं होता, उसके लिए एक अलग बंदा डिप्लाई करना पड़ता है। तो अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, यहाँ लिखी हुई बात। और आपने देखा मैं अपनी स्पीड स्लो की हुई है, वो बहुत स्पीड से नहीं चल रही है, ठीक है? सिर्फ इसलिए कि अभी जिन बच्चों ने पहले लाइव क्लासेस नहीं ली हैं, अभी क्लासेस वो ले रहे हैं, तो उनके थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। फिर जब मैं बोलता हूँ तो फौरी तौर पर आवाज आप तक नहीं पहुँचती, उसमें भी कुछ डिले आ जाता है। तो कोशिश होती है एक तो स्पीड स्लो रखें, यहाँ काम जो हो रहा है वो भी स्लो करें, आहिस्ता आहिस्ता जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह स्पीड को बढ़ाएंगे भी, ठीक है? तो अगर बात समझ नहीं आई तो नहीं, कोई मसला नहीं है सर। ये जो सी आवाजें निकालते हैं सर, ये भी रिकॉर्ड नहीं होती है? सब कुछ रिकॉर्ड होता है, जो गड़बड़ कर रहा होता है उसका भी। ये मेरे सामने सारे नंबर लिखे हुए, नाम लिखे हुए आ रहे हैं, तो ये पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही होती है। जो गड़बड़ करता है, बोलता है, हाथ ऊपर करता है, वो सब आ रहे होते हैं। ठीक है सर। हाँ अच्छा जी, सर। मुश्ताक खान आपकी आवाज नहीं आनी, आपका कुछ इश्यू है उसको ठीक करें। अगर मसला है तो एकेडमी आगे भी सॉल्व करवा सकते हैं। आज 3-4 बच्चे आए हुए थे जिनका इश्यू था और उनके इश्यू सॉल्व किए गए, तो आप भी कर सकते हैं। जी वकार सर, ये जो लेक्चर है सर, इसकी वो प्लीज सेंड करें सर, तस्वीर सर इधर थोड़ी ब्लर आती है सर, नोट नहीं। बिल्कुल करेंगे, नो ठीक, नो परेशानी। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है बच्चे। मिनाहिल सर, टेस्ट चेक हो गए? हेलो, वो लड़की टेस्ट भूले नहीं हूं? नहीं सर, आपको उस दिन भी कहा था आपने, वो 11 वालों के तो वापस कर लिए फर्स्ट ईयर वालों के, लेकिन वो 11 वाले अभी छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो आप तो बड़े हो ना, हैं? सर वो 7 चैप्टर का था ना, थोड़ा डोंट वरी बच्चे, इंशाल्लाह मिल जाएगी आपको। असल में ये है ना कि वो जो प्लान बनाना है ना आपका, कि किस दिन आपने आगे टेस्ट सबमिट कराना है और किस दिन वापस लेके जाना है, वो जिस दिन बन के आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, हाँ जी आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा सवाल है, टाइम हमारे पास थोड़ा ही है। वर्क डन, क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बेटा हमने डॉट प्रोडक्ट पर परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल चेक करने के किया, उसमें वो उसकी एप्लीकेशन बनती है। हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा, उसमें हमें उसका जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल और रेक्टेंगल, वो हमने निकाला। अब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, इसमें हमें दो चीजें हमारे काम आनी है। ये भी हमारे पास आ रहा है, सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं, ये डॉट प्रोडक्ट की वो है एप्लीकेशन। वर्क डन, वर्क डन की डेफिनेशन फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ी हुई है, उसी के हवाले से बात करता हूं। सवाल पढ़ ले सब लोग, अपना अपना फोर्स दी हुई है और हमें वो बता रहा है। यहां एक पॉइंट है, नाम उसने अगर दिया हुआ P1, उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 3, 1, -2, और यहां एक पॉइंट है P2, उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2, 4, 6। तो यहां कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स लगाई जा रही है F, और वो मूव करके यहां तक आ जाता है। तो बताइए कितना वर्क डन हुआ, ये हमने इसमें बताना है। तो न्यूमेरिकल टाइप सवाल बनता है। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, जिसको आता है वो रेज हैंड कर ले या अपना माइक, माइक जब अगर आपने माइक भी ऑन किया तो आप मेरे सामने आ रहे होते हैं, तो माइक भी ऑन कर
करके वेट कर सकते हैं मेरी बात का, और रेज हैंड करके भी आप इंतजार कर सकते हैं। आप में से कोई बच्चा वर्क डन की डेफिनेशन सुनाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड सेट वर्क डन। तो कर यार, बड़ा छा गया उजाफा सही, जरा ऑन करो ना माइक। यस सर। बताओ क्या वर्क डन की डेफिनेशन है? सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। ना 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 ना, इनटू नहीं है, आप वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, वेक्टर में इनटू नहीं होता। फॉर डॉट डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बोलो। यस, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहां मैंने फोर्स लिख दिया, अब मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो बेटा ये डिस्प्लेसमेंट है P1 से P2, तो वो मैं निकालूंगा। मैं अब यहां इसके साथ निकाल देता हूं डिस्प्लेसमेंट P1 से P2 वेक्टर। P1 से P2 वेक्टर निकालना है। अकीब जरा बताइएगा। जी सर। P1 P2 वेक्टर निकालना है, कैसे निकलेगा? सर P2 में से P1 माइनस कर देंगे। शाबाश, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक स्टूडेंट से पूछा था, उसी से दोबारा पूछता हूँ, उससे कुछ प्रॉब्लम है मेरे हाल में। जोया है हमारे साथ? जी सर। आप बेटा बताएं, ये P1 है, ये P2 है, तो इसका वेक्टर निकालना है। अब आपके पास बुक में भी दो पॉइंट दिए हुए, वहां भी आप देख सकते हैं। तो ये जो तरीका होता है वो ये है कि P2 माइनस P1, ये जो रेड से लिख रहा हूं ना मैं, ये इसका हिस्सा नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए। 2, 4, 6 P2 हो गया माइनस P1, 3, 1 माइनस 2। इनमें कोई आईजे नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि ये पॉइंट होते हैं, पॉइंट में आईजे के नहीं होते, सिर्फ वेक्टर में होते हैं। अब जरा सबट्रैक्ट कराओ और फिर वेक्टर लिखते हैं, बताओ क्या आएगा? सर आएगा माइनस वन पहले वाला। 2 - 3 - 1 हो गया माइनस। अब आई आप इसके साथ लिखेंगे, जब सबट्रैक्ट हो जाते हैं फिर आगे बताइए। आगे होगा 3, 4 - 1 - 3 3J आ जाएगा, और उसके बाद 8 के साथ क्या आएगा? के यूनिट वेक्टर। लो जी, हमें डी भी मिल गया, हमारे पास एफ भी दिया हुआ है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और देखो डॉट प्रोडक्ट है, तो वर्क डन इज एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो यहां पर हम एफ लिखते हैं, 4i + 3j + 5k डॉट। आगे डी लिखना है, ये ऊपर भी लिखा हुआ है लेकिन इसको मैं यहां पे क्लोज कर देता हूं। -1i + 3j + 8k। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई वाले का आई के साथ, जे वाले का जे के साथ, और के वाले का के के साथ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट। तो ये आ जाएगा आपके पास वर्क डन 4 - 1 - 4i - i, उसके बाद 3 और 3 9 हो जाएगा j.j, और उसके बाद 5 इधर k आना है, तो 40k.k। तो i.i j.j ये 1 हो जाएंगे, -4 × 1 9 × 1 40 × 1। तो ये बच्चे आ जाएगा आपके पास -4 + 9 5 हो गया 45। वर्क डन की वैसे तो यूनिट जूल होती है, न्यूटन मीटर भी कह सकते हो, लेकिन हम यहां अगर लिखना चाहें तो लिख दें, लेकिन बेहतर है बुक वाले के मुताबिक यूनिट्स। 45 यूनिट इज द आंसर। सो ये वर्क डन जो है ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसकी? डॉट प्रोडक्ट की। जी बच्चे, किसी का सवाल है तो पूछ लीजिए, आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह इसे आगे देखेंगे। सर जी, ले जी सर। जी बेटा। सर ये P2 - P1 जो है सर जी, सर ये सब्ट्रैक्शन के बाद सर फिर क्यों आई जे के आ रहा है, क्यों सर? P1 P2 क्या चीज है सर? ये पॉइंट्स है, पॉइंट्स। ना ना, P1 and P2 बोल रहा हूं तो पॉइंट है, ये P1 P2 ये बोल रहा हूं, क्या है ये सर? ये वेक्टर है। वेक्टर है, तो जब आप नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो कैसे वो वेक्टर बनेगा? जब उस नंबर के साथ यूनिट वेक्टर लगाओगे। यस सर। तो जब पॉइंट को सेपरेट करते हैं तो नंबर मिलता है, जब यूनिट वेक्टर साथ लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है?
वेक्टर बन जाता है, वेक्टर बन जाता है। अब अगर जब आप पहला कोऑर्डिनेट सेपरेट करते हो तो पहला कोऑर्डिनेट एक्स का होता है, यस सर, और एक्स के साथ कौन सा यूनिट वेक्टर होता है एक्स एक्सिस के साथ, आई आई। तो जब आप पहले वाले को सेपरेट करोगे, एक्स वाले कोऑर्डिनेट को सेपरेट करोगे तो उसके साथ आई यूनिट वेक्टर लगाओगे तो वेक्टर बन जाएगा, यस सर। इसी तरह दूसरा वाई एक्सिस वाला होता है तो उसके साथ जे आ जाता है, यस सर, सही है सर। चल जी बच्चों, यहां तक किसी ने को बात पूछनी है? नो सर, क्लियर है सर। जी बेटा, अगर होमवर्क सेंड करना हो तो फिर उसी जीमेल पे सेंड कर दिया करें जो पुराने था? अभी डिसाइड नहीं किया, वो आपको बता देंगे ग्रुप में। अभी आप अपना काम करेंगे, जो जो सवाल आपके लिए छोड़े गए हैं वो कर लें, जिस दिन आपको बता दिया जाए उसके उसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लेंगे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू जी। ये कौन है, रेज हैंड कौन नहीं है जी? ठीक है बच्चों, आज के लिए अल्लाह हाफिज। पिक्चर में इसकी सेंड कर दे सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।